हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज मैं आपके लिए बेसन मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही बढ़िया हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। स्वाद में तो लाजवाब है ही यह रेसिपी, साथ ही साथ बनाने में भी बहुत आसान है और इसका जो रंगत है वो भी बहुत लाजवाब आने वाली है। तो आप इस रेसिपी को आखिरी तक जरूर देखिए जिससे कि आप यह मज़ेदार रेसिपी घर पर बना सकें। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और गैस ऑन करके इसमें मैंने डाला है आधा कप घी। ये लगभग 100 ग्राम देसी घी है। आप चाहे तो किसी एक कप से ही सारे मेजरमेंट को कर सकते हैं। अब हम इस घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और गैस का जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम पर ही रहने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक कप बेसन। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ आधा कप घी लिया है और इसमें मैंने एक कप बेसन डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम हीट पर हम इसे पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए और इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे। हमें बेसन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन जाने तक ही हमें इसे पकाना है और इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे तब तक ही हमें इसे पकाना है। इसे इस तरीके से पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गया है और मैंने गैस की जो फ्लेम है उसको बंद कर दिया है। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर दी है और इसे चलाते हुए हम ठंडा करेंगे। थोड़ा ठंडा करने के बाद अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और मिल्क पाउडर की जो मात्रा है वो एक कप से थोड़ी कम है, यानी कि 3/4 कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है और इसे डालते हुए हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो आप मिल्क पाउडर डालते हुए अच्छे से मिक्स कीजिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और यहाँ चाशनी बनाने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है और इसमें मैंने डाली है एक कप चीनी और एक कप चीनी में मैंने डाला है चीनी की मात्रा से आधा पानी, मतलब कि एक कप चीनी में मैंने आधा कप पानी डाला है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो देखिए, हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो गई है। इसमें मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे चेक कर लीजिए, एक तार की जो चाशनी है वो तैयार होनी चाहिए। तो आप इसे उंगलियों के बीच से तार खींचकर भी देख सकते हैं और इस तरीके से चम्मच से टपकाते हुए भी चेक कर सकते हैं कि लास्ट में इसको गिरने में एक तार बनना चाहिए। यहाँ मैंने गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर दी है और चाशनी जो है हमारी बहुत गर्म है और इसमें हम मिलाएंगे जो हमने मिश्रण तैयार किया है उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो गर्म चाशनी में हम इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच से चलाते हुए आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए चाशनी में। देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पर मैंने ली है एक ट्रे जिसको कि मैंने घी लगाकर अच्छे से ग्रीस किया हुआ है और इस पर हम अब इस मिश्रण को फैला देंगे। आप थिकनेस अपने अनुसार रख सकते हैं। मैंने इस मिश्रण को ट्रे पर डाल दिया है। आप इसे स्टील के चम्मच से फैलाएंगे तो ये बहुत आसानी से फैल जाता है। तो देखिए, मैंने इसकी थिकनेस इस तरीके से रखी हुई है और इसके ऊपर हम डालेंगे अब थोड़े से पिस्ता। तो यहाँ मैं बारीक कटे हुए पिस्ता डाल रही हूँ और बारीक कटे हुए हम इसमें बादाम भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम डाल देती हूँ। देखिए, डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा ये दिखने लगता है। और अब हम चम्मच से प्रेस कर देंगे जिससे कि इस पर जाकर सेट हो जाए। अगर आप इस मिल्क केक को रूम टेम्परेचर पर भी रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। लगभग 30 मिनट ही इसको सेट होने में लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय इसको सेट होने में नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको काट कर दिखा देती हूँ। अभी मात्र 15 मिनट हुए हैं इस बर्फी को रखे हुए और देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुके हैं। और देखिए, एक पीस मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया और माउथ वाटरिंग रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। कहीं से भी ये चिपचिपी नहीं है, आपके मुंह में डालते से ही यह घुल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार खाने में लगती है, साथ ही साथ देखने में भी यह बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा।
और यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी और आप अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।